हुनर है तो अवसर है, ये संदेश हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जिला सिरमौर ने उन युवाओं को दिया जो कि महंगे स्किल कोर्स को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वहीं जिला में ऐसे युवा जो कि दसवीं या बारहवीं के बाद पढ़ाई को छोड़ चुके हैं और बेरोजगार हैं, ऐसे युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम 100% प्रायोजित लघु अवधि के कोर्स आजीविका के लिए सुलभ साबित हो सकते हैं। मंगलवार को जिला मुख्यालय नाहन के SFDA हॉल में संकल्प जिला स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए जिला के युवाओं को रोजगार देने वाले निशुल्क करवाए जा रहे विभिन्न कोर्स में भाग लेने का आह्वान किया। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक GS चौहान ने जिला में भी अब सोलर व ड्रोन योजनाओं को लागू करने की बात कही। सच में तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज ट्रेड्स हैं, वो एक है सोलर टेक्नीशियन का। देखिए सोलर का आज के तारीख में बहुत सारा काम हमारे कंट्री के अंदर हो रहा है, आने वाला जो समय है तो सोलर के ऊपर जितने भी सोलर के इक्विपमेंट्स है, जितने इंस्टॉलेशन की बात है, चाहे वो घरों से सोलर बनने हैं या सोलर प्रोजेक्ट बनने हैं, उसके लिए टेक्नीशियन की बहुत जरूरत। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड इसमें हो सकता है। इसके साथ साथ अभी हिमाचल सरकार ने पिछले दिनों ही एक ड्रोन पॉलिसी निकाली है, तो पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो ड्रोन ऑपरेटर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत आने वाली है। तो इसके बारे में भी मैं जो यहाँ पर कुछ जो आइडियाज हैं उनके ध्यान में ये लगाना चाहूँगा जरूर कि कृपया करके वो अपने विभाग से आने वाले समय में ड्रोन के ऊपर ड्रोन ऑपरेटर का कोर्स किस तरह से डिजाइन हो सकता है या सोलर टेक्नीशियन का कोर्स किस तरीके से डिजाइन हो सकता है, तो मैं समझता हूँ इसकी भी एक बहुत बड़ी संभावना हमारे जिले के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर बनेगी। कुछ एक अलग से स्किल हो ताकि जैसे ही वो बाहर निकले एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर निकले तो उनको बाहर निकलते कोई ना कोई रोजगार उपलब्ध हो जाए, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो, ऑफिस में हो, या फिर वो अपना जो है वो स्वरोजगार की तरफ जो है वो उसमें हो सकते हैं। उसके उन बच्चों को इस स्वरोजगार के लिए तैयार करना और रोजगार के लिए तैयार करना एक पर्टिकुलर स्किल देना, ये आज की वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए जो है कौशल विकास निगम और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जो है वो इसके लिए दिन रात जो कार्य कर रही है, और आने वाले समय में जैसे हमारा जो नया कार्यक्रम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च होगा उसके तहत जो है हम जो हमारे प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं उनको भी एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अर्बन एरियाज़ में तो अभी भी हमारा जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसके तहत जो है वो डिफरेंट कोर्सेज जो है प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के माध्यम से कराए जाते हैं, यहाँ भी कराए जाते हैं, बाकी जगह में भी करवाए जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आज के वर्कशॉप आयोजित किया गया है इसे जहाँ बच्चों को जानकारी मिलेगी और आपके माध्यम से समाज के हर वर्ग को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और कोई भी व्यक्ति जो है वो 18 से 45 साल 35 साल इसमें जो है वो कोई भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, इस कोर्स का कोई खर्चा जो है उसको नहीं देना पड़ेगा। और जो हमारे रेजिडेंशियल कोर्सेज होते हैं जहाँ जहाँ रेजिडेंशियल कोर्सेज हैं उनमें खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। तो सिर्फ इसमें है कि जो हमारे बच्चे हैं युवा वर्ग है वो भी बेरोजगार घूमे हुए हैं, कई बार मैट्रिक करने के बाद प्लस टू करने के बाद उनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं होती, तो मेरा उनसे सबसे आग्रह रहेगा कि वो इन कोर्सेज़ का फ़ायदा उठाएं जिस भी एरिया में उनका इंटरेस्ट है, चाहे वो कटिंग टेलरिंग में है, कंप्यूटर में है, कोई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, किसी में भी है जहाँ उनको लगता है कि वो कार्य कर सकते हैं,
फोटोग्राफी में है तो वो आके जो है इसमें इन कोर्सेज का फ़ायदा उठाएँ और अपने आप को अपने अंदर एक स्किल पैदा करें, स्किल जो है उसको सीखें। और स्किल जब होगी, जैसे लिखा है कि हुनर है तो अवसर है, तो अवश्य उसको जो है वो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होगी। और जो भी कार्य करना चाहेगा, चाहे प्राइवेट में या अपना स्वरोजगार का, उसको करने में इससे मदद मिलेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट।